स्वागत है आपका डिलीशियस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये हमारे पास 500 ग्राम चिकन है और ये हमारे पास है दही, लहसुन का जौ, काली मिर्च, जीरा, सूखी लाल मिर्च, धनिया, इमली का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लेमन जूस और नमक। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधा कप दही। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक लेमन का जूस। उसके बाद डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मची हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मची नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और अपना गैस चूल्हा ऑन करेंगे। हमारा पैन गर्म हो गया है। अब हम चूल्हा की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। सारे मसाले को हम भून लेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे लेकिन इसे काला नहीं करेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम अपना गैस चूल्हा ऑफ कर देंगे और ये मसालों को ठंडा कर लेंगे। हमने एक मिक्सर जार ले लिया है और ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच इमली का पेस्ट, 12 से 15 लहसुन के जौ जो हमने शुरू में आपको दिखाए थे वो भी डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से पीस के पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने सारे रोस्टेड मसालों का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। हमने फिर से एक और पैन ले लिया है और हम अपना गैस चूल्हा ऑन करेंगे। हमारा पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा हीट हो जाए। ऑयल हमारा हीट हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे। हमने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। अब हम इसे 70% कुक कर लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। ये 7 से 8 मिनट में 70% कुक हो जाएगा। 8 मिनट हो चुका है और ये हमारा चिकन 70% कुक हो चुका है तो हम इसे ठंडा करके वापस बोल में निकाल लेंगे। तो हम अपना गैस चूल्हा ऑफ कर देंगे। हमने फिर से वही पैन ले लिया है। अब हम अपना गैस चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले का पेस्ट। हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। पांच मिनट हो गया और हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे एक एक करके और इसे मिलाएंगे। इसी तरह से हम सारा चिकन डाल लेंगे। हमने सारा चिकन डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। हम इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि शुरू में हमने चिकन में आधी चम्मच नमक दे दिया था। इसे वापस अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और हम सिर्फ इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तैयार है हमारा चिकन, तो हम अपना गैस चूल्हा ऑफ कर देंगे। तैयार है हमारा टेस्टी रोस्ट चिकन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।